सो स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन पॉइंट एस्टिमेशन का क्वेश्चन है बेटा ये ठीक है हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर एटीन जैम दो हजार तेईस का क्वेश्चन नंबर अठारहवा कर रहे हैं बेटा विच कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ इन्फ्रेंस ये इन्फ्रेंस के अंडर में आता है बेटा चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से मज़ा आ जाएगा आपको सैम्पल साइज फोर दे रहा है ओके okay, फाइन और एक्स साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल विद मीन थीटा एंड वेरिएंस वन ओके अननोन पैरामीटर थीटा हमारा यहाँ पर एक्स बार दे दिया थीटा जी थीटा ओके तो सबसे पहले एम एल ई इसमें तो ऑब्वियस है बेटा ये तो ऑब्वियस है एम एल ई ऑफ ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू एक्स बार बेटा बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी बाई इनवेरियंस प्रॉपर्टी एम एल ईफ जी थीटा इज इक्वल टू ठीटा कैप स्क्वास प्रॉपर्टी है ना ठीटा कैप का एम एल एक्स बार है तो जी थीटा कैप का जी ऑफ एक्स बार हो गया ओके okay जी यहां तक की बात ठीक है अब हमें निकालना है सीआरएल और जी थीटा सी आर एल बी ऑफ जी थीटा तो हमारे पास फॉर्मूला है जी थीटा का कर दो डेरेवेटिव और उसका स्क्वायर और नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग लाइकलीहुड ये फॉर्मूला होता है मेरे बेटा अच्छा जी ये फॉर्मूला तो पता चल गया आपने को चलिए कुछ करते हैं फिर कार्यवाही करते हैं अब लाइकलीहुड फंक्शन ऑफ थीटा निकालना पड़ेगा सैम्पल साइज फोर है आई वन टू फोर वन टू फोर फंक्शन है वन अपॉन रूट टू पाई क्योंकि सिग्मा वन है बेटा ई टू द पार माइनस वन बाय टू एक्स आई माइनस थीटा का होल स्क्वायर ये वन फंक्शन हमारा बेटा क्योंकि सिग्मा तो वन है तो जहां थीटा नहीं वो हमारा नहीं इसको हमने मान लिया बेटा कॉन्स्टेंट इनटू E की पार माइनस वन बाय टू समेशन एक्स आई माइनस थीटा का स्क्वायर अब आपको निकालना है लॉग स्टूडेंट्स। तो लॉग कांस्टेंट हटा दिया लॉग ई वन हो गया तो माइनस हाफ समेशन एक्स आई माइनस थीटा का स्क्वायर आ गया बेटा यहां तक तो क्लियर हो गया होगा बेटा आपको अब अब आगे देखिए इसका डेरिवेटिव करते हैं अरे यहीं पे कर लेते हैं चलो डी बाय डी थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा डी बाय डी थीटा ऑफ लॉग लाइकलीहुड इज इक्वल टू माइनस से माइनस का टा टू आया और बेटा समेशन एक्स आई माइनस थीटा माइनस थीटा का माइनस वन आया इक्वेट जीरो से करेंगे ओके okay. फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं डी टू बाई डी थीटा स्क्वायर ऑफ लॉग लाइकलीहुड तो आपका आ गया डी थीटा ऑफ समेशन एक्स आई माइनस एन थीटा विच इज माइनस एन यही बचा ना थीटा का वन हो गया हम्म मतलब माइनस फोर बचा तो आप फॉर्मूले में डाल देते हैं एन फोर है आपका क्वेश्चन में बेटा एन आपका क्वेश्चन में फोर है तो जी डैश थीटा चलो डेरिवेटिव करो डी थीटा का टू थीटा प्लस टू का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इज एन और माइनस लगाऊंगा तो एन आ जाएगा विच इज फोर तो टू का स्क्वायर बाहर निकाला तो अंदर बच गया थीटा प्लस वन का स्क्वायर तो ए ऑप्शन तो आपका ट्रू हो गया हमसे तो फॉल्स मांगा है एक्सक्यूज मी हमसे तो फॉल्स मांगा है तो ये तो ट्रू है भाई हमारा ओके आई थिंक दिस इज डन राइट यहां तक तो समझ में आ गई बात अपने को है ना बेटा अब क्योंकि मुझे और भी करने बेटा कुछ ना कुछ तो रहे मिटाना पड़ेगा ही मुझे, चलो, यही मिटा हैं। तो एक्स बार आपका सफिशियंट स्टैटिस्टिक्स भी है आप देख लीजिए पिटमेंट कुपमेंट से कर लीजिए तो एक्स बार इज इज सफिशियंट तो अगर एक्स बार आपका सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स है तो उसका फंक्शन भी सफिशिएंट होगा राइट तो इट मींस एक्स बार ई टू द एक्स बार इज सफिशिएंट फॉर थीटा इज सफिशिएंट फॉर थीटा यस और भाई ये भी ट्रू आ गया है तो बी भी, भी ट्रू हो गया मेरे बच्चों ओके लास्ट ये और ट्राई कर लेते हैं ये है आपका सी आर एल बी ऑफ वन प्लस सीटा स्क्वायर बाय टू से बड़ा बराबर है सी आरबी एक्स का स्क्वास ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर बाई टू तो वेरियंस ऑफ वन प्लस एक्स का स्क्वायर बड़ा बराबर होगा सी आर बी ऑफ जी थीटा ओके तो सी आर एल बी क्या हुआ इसका भाई डेरिवेटिव सी आर बी इसका डेरेवेटिव तो टू टाइम्स वन प्लस थीटा बाय टू का स्क्वायर अपॉन नेगेटिव रेसिप्रोकल विच इज फोर दिस विल कैंसल आउट विद दिस इट इज वन प्लस थीटा बाय फोर का स्क्वायर आई थिंक यहाँ गलती है कुछ क्वेश्चन में ये होल है ये हाँ क्योंकि ये भी ऑप्शन ट्रू ही आ रहा है आपका हम्म सो दिस इज अ लोअर बाउंड राइट दिखाया तो आपके सामने अभी अभी तो लोअर बाउंड आ गया आपका तो वेरियंस वन प्लस एक्स को इससे बड़ा ही होगा अब बात हो गई सी की ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो यही बच्चा है पर फिर भी चलो शो कर दिखाया था अपने बच्चों को कि सी में क्या खास बात है भाई कुछ तो मुझे मिटाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं तो ऊपर कर दो यहां पर सी हो जाएगा वहीं भाई यूएम निकालना है बेटा बहुत ईजी होता है एक्सपेक्टेशन निकालना है वन प्लस एक्स बार का स्क्वायर का और वो आपका जी थीटा जो भी फंक्शन ऑफ थीटा आएगा तो वन प्लस एक्स बार का स्क्वायर प्लस टू एक्स बार नाउ अप्लाई वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर प्लस टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार विच इज़ वन प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर plus 2 expectation of x bar and variance of x bar you remember students I'll show you something expectation of x bar is same as expectation of x which is theta and variance of x bar is variance of x by n which is 1 by n which is 1 by 4 actually. Hmm. का क्योंकि इसमें ये आ गया. ओनली टर्म विच इज फॉल्स सो आपका जो आंसर आएगा वो सी आएगा बेटा इस क्वेश्चन के अंदर होप स्टूडेंट्स मैंने सारे पार्ट आपको करके दिखाए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से हम्म hmm? कि कैसे क्वेश्चन एटीन को आप बना सकते हैं बड़े आराम से ठीक है थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपने मेरे क्वेश्चन को लाइक करिएगा तो अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा